हम सरकार के किसी आप लोग का टीईटी बहाली किया जाएगा 2013-17 वाले का पास हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। आखिर क्यों? 5 साल से हम लोग 5 लोग आते रहे, आज जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा कि जमीन से कोई हमें हटा नहीं सकती है। आज हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपना इंसाफ लेंगे। क्या आप लोगों की मांगे लगातार आप लोगों को आश्वासन मिला? हम लोगों को रिजल्ट जारी करके उसके बाद हम लोगों को कैंसिल कर दिया गया कि अब आप लोगों को बहाली नहीं किया जाएगा, आप लोग फेल हो गए, आप लोग का रिवाइज रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों आखिर नहीं बनेगा? जब नहीं करना था तो नहीं करते। एक तरह से देखा जाए कि 5 महीना पहले बोला गया था कि आप लोगों का इलेक्शन के बाद आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन वही टाइम एक्सपायर कर गया। 1000 है हम लोग यहाँ पर, जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और इनके यहाँ में शांतिपूर्वक हम अपने गार्जियन के यहाँ गुलाम रसूल पंजाबी साहब जो हमारे रहबर है, हमारे गार्जियन है, हम इनसे टकराने के लिए नहीं आए हैं। पांच का डेलीगेशन हम नहीं चलेगा। 5 साल पहले और शिक्षा मंत्री होश में आओ, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, भारत के महाजन होश में आओ, होश में आओ, चला लिया। क्या कुछ आगे इरादा है सर? ये लेटर है बिहार सरकार का जो 5 महीना पहले प्रधान सचिव आर के महाजन ने निकाला, इसको देख लीजिए। और इस लेटर में ये कहा गया है मानव संसाधन मंत्रालय को कि हमारे पास में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से हमें 5% कट मार्क्स हमको दिया जाए। त्रिपुरा सरकार को देखिए, ये भी लेटर है जो मानव संसाधन मंत्रालय ने 5% कट मार्क्स दे दिया है। जब हम दिल्ली मानव संसाधन मंत्रालय गए थे तो जाने के बाद वहाँ के अधिकारी ने कहा कि ये सरासर गलती प्रधान सचिव की है जिसमें टाइम लग रहा है। अब हमारे रिजल्ट पे कार्रवाई 5 सालों से लेकर के अभी तक के तकरीबन 6 साल होने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। हमारा सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, उसका टाइम भी अब खत्म हो रहा है। 5 बार पुलिस की लाठी भी चार्ज हो चुकी है। क्या हम पूरी जिंदगी भर रिजल्ट जारी करने ही की मांग करते रहें? इसलिए हमने ये सोचा है कि आज माननीय MLC गुलाम रसूल बरियावी के आवास पे जाएंगे और उनसे आखिरी फरियाद करेंगे कि प्रधान सचिव जब तक के प्रेस रिलीज करके ये बोल नहीं देंगे कि हम 2 से 3 हफ्ता के अंदर कट मार्क्स जारी करके रिजल्ट जारी करेंगे, तब तक के हम इस MLC साहब के आवास से हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम 12,000 पूरे बिहार में उर्दू TET उम्मीदवार हैं, हम उस वक्त तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक के प्रधान सचिव से वार्ता न हो जाए और प्रधान सचिव ये लिखित आश्वासन ने दे प्रेस रिलीज करके, तब तक के हम हटेंगे नहीं। हम माननीय गुलाम रसूल बरियाली सर को हम विधान परिषद और विधानसभा हम हरगिज यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर वो जाएं तो हमारे बदन पे होकर के या सारे विद्यार्थी के उम्मीदवारों के बदन पे होकर गाड़ी चलाते हुए। तो क्या करेंगे आगे की रणनीति? क्या कुछ नहीं, आगे की रणनीति एक यही है, वो हमारे ऊपर से गाड़ी चला करके लेके चले जाए, हम मर जाएंगे, हमारा मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन आज तो हम हटने वाले नहीं।
पाँच साल से हम आश्वासन ही ले रहे हैं, हमारे ऊपर में ये गाड़ी चला करके विधानसभा जाए, मैं तो ये विधानसभा जा नहीं सकता। नाम बताए? प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा उर्दू टी सर। ठीक,